कायरा में फिर से कोहराम मचा हुआ है। तहरीर चौक पर कई महीने बाद फिर से इकट्ठा हो गए हैं हजारों लोग और सैनिक सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई में करीब 225 लोग जख्मी हुए हैं। मिस्र में फिर हो रहे हैं प्रदर्शन, कायरा में फिर कलह, तहरीर चौक पर फिर जुटी भीड़, प्रदर्शनकारियों का बवाल, पुलिस का लाठीचार्ज, लोगों ने फेंके पत्थर, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले, लोगों ने जला दी गाड़ियां, पुलिस की गाड़ी को धक्का देकर पलटते और फिर उसमें आग लगाते इन लोगों को देखिए। ये नजारा है मिस्र के तहरीर चौक का, जहां फिर से हजारों लोग इकट्ठा हैं। लोग नारे लगा रहे हैं और उनके हाथों में पत्थर है जिनका निशाना बन रही है पुलिस। लेकिन इस बार ये प्रदर्शन सत्ता में बैठे हुक्मरानों के खिलाफ नहीं बल्कि सेना के खिलाफ है, उसी सेना के खिलाफ जिसे लोगों ने राष्ट्रपति होस्नी मुबारक के तख्ता पलट के बाद लोकतंत्र बहाली का जिम्मा सौंपा था। लेकिन अब इसी सैन्य परिषद के संवैधानिक प्रस्ताव से लोग नाराज हैं और उतर आए हैं एक बार फिर सड़कों पर। पिछले कुछ महीनों में हुए इस सबसे बड़े प्रदर्शन में लोग हजारों की तादाद में तहरीर चौक और राजधानी कायरा के अलग अलग हिस्सों में इकट्ठे हो गए और सेना के खिलाफ शुरू कर दिया प्रदर्शन। और फिर लोगों को काबू करने आई पुलिस ने कर दिया लोगों पर रबर बुलेट्स का इस्तेमाल। भड़के लोगों ने सड़कें तोड़कर हाथों में उठा लिए पत्थर और निशाना बने पुलिसकर्मी। और फिर पुलिस और लोगों के बीच शुरू हो गया पत्थर युद्ध। लोगों को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस भी छोड़े, लेकिन लोग हजारों की संख्या में थे और काबू नहीं किए जा सके। लोगों ने पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। मिस्र की सरकारी एजेंसियों के मुताबिक ही करीब 225 लोग इन झड़पों में घायल हुए हैं, लेकिन स्थानीय सूत्रों के मुताबिक घायलों की संख्या बहुत ज्यादा है। जरा आप भी देखिए इन घायलों को। मिस्र में अस्थिरता का दौर अभी खत्म होता नहीं दिख रहा और कम से कम हाल की तस्वीरें तो कुछ ऐसा ही बयां कर रही है, क्योंकि जिस सेना पर लोगों ने सिविल सरकार और लोकतंत्र बहाली के लिए भरोसा किया था वो भी लोगों का भरोसा खोती दिख रही है। तो क्या मिस्र एक और क्रांति की ओर है?